अलसी जिसे फ्लैक्स सीड भी बोला जाता है, इसके बीज दिखने में जितने छोटे होते हैं इसके फायदे उतने ही बड़े हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलसी यानी फ्लैक्स सीड से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है, और साथ ही जानेंगे कि हमें इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर परिवार, और चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे एक गिव अवे जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं अलसी यानी फ्लैक्स सीड के फ़ायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अलसी यानी फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और साथ ही ब्लड क्लॉटिंग यानी खून को जमने से रोकती है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है और साथ ही इंसुलिन को बढ़ाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा, ये हमारे दिमाग यानी ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाने की वजह से हमारे दिमाग में भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और साथ ही हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को ताकत देती है। यही वो न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे दिमाग से किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाते हैं और साथ ही हमें किसी भी ब्रेन इंजरी में भी जल्दी रिकवर होने में मदद करती है। फिर अलसी हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी बचाती है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लिगानिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स और ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को कम करने में मदद करती है। स्पेशली ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए ज़्यादा फायदेमंद पाई गई है। फिर ये हमें वेट लॉस में भी मदद करती है। अलसी में डाइट्री फाइबर पाया जाता है, जो कि वेट लॉस के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बढ़े हुए प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है और साथ ही हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट को भी कम करती है, जिससे वेट लॉस में फ़ायदा होता है। फिर अलसी हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे से बढ़ती उम्र के लक्षणों जैसे फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करती है, और साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है और हमें एक्ने और पिंपल जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। फिर अलसी हमें कफ कोल्ड यानी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम से भी बचाती है। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने की वजह से हमें कफ कोल्ड जैसी प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको सॉर थ्रोट यानी गले में खराश और ब्रोंकाइटिस यानी सीवियर कफ की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको एक गिलास पानी में एक चम्मच अलसी को बॉयल करना है और इसमें हनी और लेमन जूस डालकर पी लें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर अलसी हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे खाने को मुलायम करे उसे जल्दी पचाने में मदद करती है, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम से बचाता है। अलसी जॉइंट पेन यानी जोड़ों की दर्द में भी फ़ायदेमंद होती है। अलसी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में दर्द और सूजन को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होती है। स्पेशली ठंडी के दिनों में अलसी को खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में हमें जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अभी अलसी खाने से हमें नुकसान क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, यानी आपको लूज़ मोशन और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप अलसी का सेवन करते हैं लेकिन आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी आप कोई भी लिक्विड बहुत कम मात्रा में लेते हैं, या आप दिन भर में बहुत कम पानी पीते हैं, तो इससे इंटेस्टाइन्स में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी अलसी का इस्तेमाल कम से कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि अलसी की तासीर बहुत गर्म होती है। अभी इसे हम अब कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अलसी को ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसे सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से हम इसके सारे पोषक तत्वों का भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा, आप अलसी के पाउडर को दही या दलिया में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, आप ब्रेकफास्ट में किसी भी स्मूदी, शेक या सलाद में भी अलसी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलसी के लड्डू भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब आप अलसी का इस्तेमाल करते हैं तो दिन भर में इसके साथ खूब पानी पिएं। तो अगर आप अलसी यानी फ्लैक्स सीड के ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी तरीके से आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
अभी बात करते हैं गिव अवे के बारे में। गिव अवे में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है। अगर फर्स्ट 15 डेज में हमारे सिर्फ 200 लाइक्स हो जाते हैं तो विनर को मिलेगा एक पल्स ऑक्सीमीटर, जिसकी डिलीवरी ऑनलाइन सीधा विनर के घर पर होगी। तो आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। ऐसी ही और भी चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।